वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और आज हम बात करेंगे ए, कुछ दिन से जो है अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के हवाले से कि वहाँ पर जो है कुछ अनासर ने जो है हुल्लड़बाजी की मज़ार की बेहरमती की रेंजर्स पर पुलिस पर जो है यानी उन्होंने जो है हमला करने की भी कोशिश की गई और एक तरह से जो है कराची का अमन वमान तबाह करने की जो है दानिश्ता कोशिश की गई और पोस्ट की गई ऐसी ए सोशल मीडिया पर कि यहाँ पर आए और हम यहाँ पर जो है मातम करेंगे और इस तरह से जो है हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई लेकिन हर कोई मजार पर जा सकता है हाजिरी दे सकता है लेकिन किसी पर अपना फैसला जो है थोप नहीं दे सकता है जियो और जिनोदों की जो है पॉलिसी होनी चाहिए और वो सब के लिए होनी चाहिए क्योंकि ये तमाम मज़ारात जो हैं अहले सुन्नत के हैं और सुन्नत ही लोग जो है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर चंदे देते हैं वहाँ पर हाज़री वो देते हैं और उन हाज़री की बदौलत जो है उन पर शरक और बिदत के भी फतवे लगाए जाते हैं पाकिस्तान में और इस तरह से जो है बातें भी की जाती हैं और फिर आप देखें कि उनकी तारीख है एक अब्दुल्ला शाह वो गाजी साहब की के जो उनका वो वो मज़ार है वहाँ पर जो है कोई मातम नहीं होता आया है और इस तरह से जो है अब वहाँ का वहाँ पर जाकर एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की गई कब्जे की कोशिश की गई उनके बाजार की बेहरमती की गई इस तरह से जो है यानी एक सोशल मीडिया की पोस्ट पर वहाँ पर एक जो है लोगों का हजूम जो है इकट्ठा हो जाना उनमें ख, वो ख़वा और फिर जिस तरह के जो उनके सोशल मीडिया पर जो है वीडियोज़ आई हैं उस हवाले से कि हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे और धमकी हमें जो है ला इख्तियार किया गया और फिर जो है रेंजर्स ने आए। उनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया सिंध व पुलिस व कराची व पुलिस ने जो है एक्शन लिया तनजीमत अल सुन्नत और बिलखसूस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जो है इस पर सरगर्म रोल अदा किया है और ये पिछले साल भी ऐसे ही हरकतें की गई और इसके अंदर जो लोग जो है वो शामिल हैं वो सिंध हकूमत के अंदर कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जो वो चाहते हैं कि इस पर जो है यानी वो ऐसा उनका कब्ज़ा हो जाए इस तरह की वो सूरत हाल और उनको जो है सहूलियात भी दी गई इस हवाले से तो ये सूरत हाल और इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जो है अप्लीकेशन दी थी यानी वो कमिश्नर कराची को और फिर परसों जो है पाकिस्तान सनी तहरीक के सरबरा जनाब सरब एजाज कादरी साहब ने और सुन्नत के साथ उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची वो प्रेस क्लब में और उन्होंने जो है यानी इन पर जो है यानी वहाँ पर हुल्लड़बाजी इसी तरह अब्दुल्ला शाह गाज़ी के नज़ार पर हुल्लड़बाजी बेहरमती के हवाले से और वहाँ पर वह कब्जे के हवाले से उन्होंने तफसील से जो है साफियों को वो बताया था और उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह इस तरह के इकदाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्होंने यह कहा कि जियो और जीने दो और पाकिस्तान में जो है सबको हक हासिल है लेकिन कुछ जो है दिनों से हफ्तों से जो है यानी ये कोशिश की जाती रही है और भरपूर कोशिश वो की जाती रही है और इसके अंदर जो है सिंध हुकूमत के अंदर मौजूद लोग जो है उनकी हेल्प भी वो करते रहे लेकिन बिलाकर रेंजर्स ने और पुलिस ने और खासकर कमिश्नर जो है कराची ने जो है एक बेहतरीन कदम उठाया और उनको जो है अरेस्ट भी किया गया और उन पर इंसदाद दहशत के हवाले से जो है केस भी किया गया है तो आप देखें कि फिर जुमरात वाले दिन जो है जुमरात वाले दिन कमिश्नर कराची से जो है मुलाकात की पाकिस्तान सुन्नी के सरबरा जनाब सरवत साहब उलमा कराम भी उनके साथ थे उन्होंने भी मुलाकात की और कमिश्नर कराची ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मुताल पर और यह नोटिफिकेशन जारी किया है कि हजरत के यानी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर कोई भी मातम नहीं कर सकता है उन्होंने ये नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है और ये कहा है कि भाई यहाँ पर मातम करना बाज़ार के अंदर अहाते में जो है मातम करना मना कर दिया गया है बैन ये कर दिया गया है और इस पर जो है यानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत इजाज कादरी की काबशे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की काबशे और सुन्नत की काबशे काबशें तनजीमांत सुन्नत की काबशे और फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने बड़ो वक्त जो है इकदाम उठाए कानूनी इकदाम उठाए और फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी जाते रहे बड़ी तादाद में ताकि जो है इस कब्ज़े को रोका जाए तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने एक एक तरफ तो कारकुनान को जो है उधर भेजा दूसरी तरफ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने कानून का वो दरवाज़ा खटखटाया और बिल आखिर इंतज़ामिया ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीकमा सुन्नत और तंजीमत सुन्नत का मुतालबा मान लिया और बैन कर दिया है एक बड़ी खबर है के वहाँ पर जो है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अंदर हयाते में जो है बैन कर दिया गया है मातम करना यह एक बड़ी खबर है और इसका क्रेडिट जो है सारा के सारा जाता है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान और तनजीमत सुन्नत और उल्माय सुन्नत के सर जाता है कि उन्होंने जो है इस वो कब्ज़े को नाकाम भी बनाया है और इस तरह से जो है मातम भी जो वहाँ पर किया जाना था उसको भी नाकाम बनाया है और फिर जो फसाद फैलाना चाहते थे मातम की आड़ के अंदर उनको जो है रेंजर्स ने अरेस्ट भी किया है पुलिस ने अरेस्ट भी किया है सेवन ई की जो है यानी दफात उसके ऊपर जो है लगाई गई हैं और जुमरात के दिन जो है यानी कल यानी कमिश्नर कराची ने के जो है यानी वहाँ पर मातम ना करने का जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है ये एक बड़ी खबर है आप जो है नोटिफिकेशन जो है आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो है नोटिफिकेशन ये पाबंदी का चल रहा है आप ये देख रहे हैं एक बड़ी खबर है इस हवाले से तो ये तमाम मेहनतें काविशें जो हैं रंग लेकर आई हैं और अल सुन्नत हमेशा से मन रहे हैं मन हैं पाकिस्तान के वो सवाद आजम मैल है सुन्नत हैं कि वो सवाद आजम है पाकिस्तान के और पाकिस्तान में अमन व अमान की ज़िम्मेदारी भी सब यानी सबसे ज़्यादा इन पर बनती है और इसका एहसास करते हुए उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया कमिश्नर कराची से मुलाकात की और कमिश्नर कराची ने तमाम मुतालबात को जो है मानते हुए वहाँ पर मातम करने पर जो है पाबंदी लगाई गई है और आप देखें कि ये हजूर अल सलासम की विलादत बासादत का महीना है और इस महीने के अंदर जो है हर तरफ जो है चराग किया जा रहा है खुशियाँ जो हैं वो किए जा रही हैं खुशियाँ है, मनाई जा रही हैं लेकिन कुछ शर्पसंद अनासर जो है इस इस यानी महीने के अंदर भी जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो है यानी अमन अमान ख़राब हो पाकिस्तान में जो है अमन के जो वो दुश्मन हैं उन्होंने कोशिश की और ये यानी चंद हफ्तों से जो है ये कोशिश कर रहे थे और मुतवातर कोशिश कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है लोग आते उनके और फिर जो है वहाँ पर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जो पाकिस्तान के अंदर फैले और एक जो है चिंगारी जो है पूरे पाकिस्तान में फैल जाए ये बड़ी कोशिश की गई बड़ी मनसूबा बंदी की गई लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान सुनी तहरीक की वो क़ियादत उनके हमत अमली ने जो है एक बेहतरीन काम किया एक तरफ तो उन्होंने कारकुनान को इस्तेमाल किया और उनको जो है यानी अब्दुल्ला शाह गाज़ी के बाजार पर भेजा दूसरी तरफ उन्होंने कानूनी दरवाज़ा भी खटखटाया और फिर बिल आखिर कमिश्नर कराची ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस हवाले से वो कमिश्नर साहब जो हैं और इसी तरह मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, फिर रेंजर्स को भी और इसी तरह कराची पुलिस को भी कि उन्होंने एक बेहतरीन हमत अमले इख्तियार करते हुए इन फसादियों को अरेस्ट भी किया है और जो भाग गए हैं उनको भी अरेस्ट करने की जो है कोशिश की जा रही है एक बड़ी अच्छी यानी पेशर रफ्त हुई है पाकिस्तान में अमन वमान के हवाले से भी और जो है रेंजर्स और पुलिस का इस हवाले से बहुत ही अच्छा रोल जो था वो रहा है उसकी हम जो है वो सपोर्ट करते हैं अब आपसे चाहते हैं इजाज़त आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें वीडियो को लाइक भी करें इसी तरह फेसबुक के पेज को भी जो है आप फॉलो कर लें ताकि जो है हमारे वीडियोस का जो है नई वीडियोस का आप जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अब आपसे चाहते हैं इजाज़त पाकिस्तान